हेलो गाइस दिस इज़ विजय कुमार राठौड़ आज हम माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स का प्रैक्टिकल देखेंगे उसके अंदर दो पर्टिकुलर सेक्शंस हैं न्यू फॉर्म और न्यू क्विज तो अभी एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है पीरियडिक रिटर्न टेस्ट ली जा रही है टर्म टेस्ट ली जा रही है तो उसके हिसाब से हम फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो न्यू क्विज़ को देंगे सो so, हमें यहाँ पर न्यू क्विज पे क्लिक करना है सो so, ये बेसिक स्ट्रक्चर है उसका आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्वेश्चन हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है रिस्पोंसेस हैं आप प्रीव्यू कर सकते हैं थीम है ये पर्टिकुलर फॉर्म जो है वो आप सेंड कर सकते हैं और उसके सेटिंग्स हैं तीन डॉट्स में सो अनटाइटल क्वीज़ लिखा हुआ है उसको मैं पहले तो नेम दे देता हूँ डेमो क्वीज़ वन और आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं जैसे कि हम गूगल फॉर्म्स के अंदर प्लस करके नया जो ऑब्जेक्ट है वो ऐड कर सकते थे सेम वे यहाँ पर आप नया ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं डेमो क्विज के बाजू में यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट इमेज करके ऑप्शन है आप इमेज ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं आपकी जो वन ड्राइव जनरेट हुई है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ उसको आप यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप जो इमेज है वो अपलोड भी कर सकते हैं सो तो इसका पूरा डिटेलिंग हम देखेंगे सो so, क्विज़ मैंने यहाँ पर जनरेट कर दिया एड न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट्स है उसकी डिटेल्स जो है वो पूरी तरह से सीखेंगे फर्स्ट इज एम सी क्यू है नेक्स्ट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हैं उसके बाद रेटिंग सेट कर सकते हैं नेक्स्ट इज डेट रैंकिंग सेट कर सकते हैं उसके बाद लिंकर्ट जो है वो मल्टीपल ऑप्शन जो है उसके अंदर से हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं सेट कर सकते हैं नेक्स्ट इज़ नेट प्रमोटर और लास्ट जो है वो हमारा सेक्शन है तो so, यहाँ पर हम गूगल फॉर्म की तरह ही पहले जो स्टूडेंट की डिटेल है वो यहाँ पर एक्सेस करेंगे सो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में ले रहा हूँ सो so, यहाँ पर मैंने रोल नंबर जो है वो एड कर दिया नेक्स्ट यहाँ पर पूरी डिटेल्स हम एक्सेस करेंगे कि भाई टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या अवेलेबल है मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट कर दिया आप चाहे तो इमेज इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर जो एग्ज़ामिनर है वो उसका आंसर चेक कर सकता है जो लिखा हुआ आंसर है वो नेक्स्ट लॉन्ग आंसर है तो आप उसको इनेबल करेंगे फिर रिक्वायर्ड है रिक्वायरमींट्स मैंडेटरी फील्ड के तौर पर उसको मैंशन किया जाता है कंपलसरी आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा नेक्स्ट इज सेटिंग्स सो सब टाइटल है रिस्ट्रिक्शंस आप जनरेट कर सकते हैं मैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जनरेट करूँगा नेक्स्ट इज़ मैथ यहाँ पर आप मैथ की इक्वेशन जो है वो सेट कर सकते हैं और एड ब्रांचिंग मीन्स एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में से दूसरे क्वेश्चन में जंप आउट करना है या तो दूसरे सेक्शन में जंप आउट करना है तो उसके लिए हम ब्रांचिंग का यूज़ कर सकते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट्स मैं यहाँ पर एक मार्क का एम सेट कर सकता हूँ अगर चाहे तो या तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर पॉइंट्स सेट कर सकते हैं सो so, ये हमारा बेसिक लेआउट है नेक्स्ट इज कॉपी क्वेश्चन इसका ही डुप्लीकेट जनरेट हो जाएगा नेक्स्ट इज डिलीट नेक्स्ट एरो दिया हुआ है क्वेश्चन को अप डाउन करने के लिए सो so, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर सो so, बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हम जान चुके हैं यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शन जनरेट करेंगे रिस्ट्रिक्शन में हम देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं सो फर्स्ट ऑप्शन है नंबर ग्रेटर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन लेस देन और इक्वल टू इक्वल टू नॉट इक्वल टू बिटवीन और नॉट बिटवीन सो यहाँ पर हम नंबर यूज़ करेंगे न्यू पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो जो क्लास है वो रहेगा हम यहाँ पर क्लास जो है वो ऐड करवाएंगे इसमें भी हम रिस्ट्रिक्शंस जनरेट कर सकते हैं नंबर्स ओनली, एड न्यू पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट हमारा जो डिवीज़न है वो यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे सो so, चॉइस मैं दूंगा ए या तो बी नेक्स्ट फिर से एक ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे स्टूडेंट फुल नेम सब अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और एल्स रिमूव कर सकते हैं सो so, यहाँ पर हमें स्टूडेंट की बेसिक सारी डिटेल्स जो है मिल गई रोल नंबर क्लास डिवीज़न स्टूडेंट फुल नेम अगर आप चाहें तो जे का नाम भी ऐड कर सकते हैं तो हम वो भी ऐड करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर जे एन वी ऑप्शनस में जनरेट करेंगे जे एन वी नेम फॉर एग्जाम्पल जे एन वी सुरेंद्र नगर और गीर सोमनाथ मैंने ऐड किया हुआ है ऐड न्यू करेंगे यहाँ पर हम सेक्शन ऐड करेंगे इस सेक्शन में हम एम सी क्यू जो है वो पूछेंगे ईच क्वेश्चन कंटेन्स वन मार्क एड्यू करेंगे चॉइस क्लिक करेंगे सो so, यहाँ पर हम मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं एलजिब्रा क्विज जो है मैं जनरेट करना चाहता हूँ तो मेरा पहला क्वेश्चन है मैं यहाँ पर ऐड करूँगा सॉल्व फॉर एक्स सो यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करने के बाद आपको तीन डॉट्स पर क्लिक करना पड़ेगा और मैथ्स सिलेक्ट करना पड़ेगा तो आप इक्वेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हमारी जो इक्वेशन है एक्स प्लस सिक्स इक्व टू टेन एक्स प्लस सिक्स इक्व टू टेन ओके करेंगे सो so, यहाँ पर जो बेसिक उसकी डिटेलिंग है वो आप देख सकते हैं इसके लिए वर्चुअल कीबोर्ड जो है वो यूज़ किया जा रहा है और इसका एक एडवांस फीचर जो है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो इसके रिलेटेड जो ऑप्शंस है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो के जा रहे हैं सो आप देख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू फोर एक्स इज़ इक्व टू सेवन एक्स इज़ इक्व टू वन एक्स इज़ इक्व टू नाइन तो ये चार ऑप्शन अपने आप ही जनरेट हो गए और जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है x इज़ इक्व टू फोर उसका आंसर जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है तो मैं एड ऑल करूँगा तो आपको यहाँ पर टाइप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी रिक्वायर्ड ऑन करेंगे और यहाँ पर मैं उसके एक मार्क को सेट कर देता हूँ सो so आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है एड न्यू करेंगे चॉइस करेंगे हम यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं वो फिर से इक्वेशन है तो उसके हिसाब से ही आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक सेटिंग जो है वो याद रखता है और उसी हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन का जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो अपने आप ही करके सेट करके दे देता है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया इक्वेशन हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी वर्चुअल बॉक्स से ही उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करना रहे सो so आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके जो सजेस्टेड आंसर्स हैं वो आ गए ऑटोमेटिक आप इसको सफल भी कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके सो so हर बार सेम जो आंसर है वो ए नहीं रहेगा मैं यहाँ पर एड न्यू पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी सेट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर टू के तौर पर उसके रिगार्डिंग जो सजेस्टेड क्वेश्चनस आइडियाज़ हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मुझे मिल जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे क्वेश्चन हैं वो बने बनाए यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं मैं एड ऑल पर क्लिक करूँगा सो आप देख सकते हैं मेरे क्वेश्चनस जो है वो ऐड हो गए यहाँ पर और इसको मैं अभी प्रीव्यू करूँगा देखते हैं रोल नंबर क्लास डिवीज़न, स्टूडेंट फुल नेम जे एन वी नेम देन नेक्स्ट ओके सो अच्छा सा व्यू है बेसिक व्यू पैक करेंगे अब हम ट्रिगनोमेट्री का जो क्वेश्चन है वो ऐड करना चाहेंगे यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक ट्राइंगल जनरेट करके रखा हुआ है फोर्टी सेंटीमीटर बाई थर्टी सेंटीमीटर सो ये कैसे बनाना है कैसे एक्सेस करना है वो हम देखेंगे सो so, मैं पहले विंडो की प्लस आर प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर लिखूँगा एम एस पेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकता हूँ ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मैं यहाँ पर टेक्स्ट का यूज़ करूँगा थर्टी सेंटीमीटर बाय बाईटी सेंटीमीटर आप इसको सेट कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर का यूज करूँगा ये सॉफ्टवेयर का नाम है शारेक्स हम इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसने कैप्चर कर लिया इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड किया हुआ है इसको आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से उसने कैप्चर किया हुआ है मैं इसको ओपन करूँगा तो इसका पाथ मुझे मिल जाएगा यहाँ से मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ फॉर्म्स के अंदर न्यू पे क्लिक करेंगे चॉइस पे क्लिक करेंगे मैं यहाँ पर जो इमेज है वो अपलोड करूँगा अपलोड मैंने फाइल सिलेक्ट कर ली अपलोड हो रही है और मैं क्वेश्चन ऐड कर दूंगा तो ये क्वेश्चन जो है वो अपलोड हो गया आप देख सकते हैं हम इसके रिलेटेड जो भी आंसर्स हैं वो सेट कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर टोटल तीन क्वेश्चंस जो है वो ऐड कर दिए ऐसे ही आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चंस जो है वो ऐड कर सकते हैं अब हम नया क्वेश्चन ऐड करेंगे ऐड न्यू पे क्लिक किया मोर पे क्लिक किया लाइक पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस के साथ डिटेल्स आ गई हैं इसको एक्स्ट्रा ऑप्शंस को डिलीट कर रहा हूँ मेरा क्वेश्चन जो है वो इस तरह से ट्राइंगल सोन हीयर बेस्ड ऑन द एंगल थीटा यहाँ पर उसके जो ऑप्शंस है वो सेट करेंगे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को सेट कर दिया आप देख सकते हैं इमेज अपलोड हो गई है एड न्यू पे क्लिक करेंगे मोर पे क्लिक करेंगे अभी हम रैंकिंग के लिए क्वेश्चन ऐड करेंगे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन सेट करके रखा हुआ है हम इसमें ऑप्शंस जो है वो सेट करेंगे फाइव फुट थ्री इंचिस फिफ्टी एट फोर फुट नाइन इंचिस फोर्टी टू इंचिस थ्री फुट फोर तो आप देख सकते हैं बेसिक जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो बन गया यहाँ पर ऑप्शन है थीम अलग अलग थीम आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल में ये पर्टिकुलर थीम को ऐड कर रहा हूँ सेट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं थीम चेंज हो गया नेक्स्ट सेटिंग्स एक्सेस करेंगे यहाँ पर स्टार्ट डेट कौन सी डेट से कौन से टाइम से आपको जो पेपर है वो एक्टिव करना है और उसकी एंड डेट और उसका जो टाइम है वो सेट करना है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 25 तारीख सेट कर रहा हूँ सुबह दस से लेके ग्यारह तीस तक हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो सफल कर सकते हैं बट वो प्रो वर्जन में आप यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो ईमेल नोटिफिकेशन जो है वो हर एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स का आपको ईमेल में मिल जाएगा हम यहाँ पर थैंक यू मैसेज ऐड करेंगे थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एग्ज़ाम ये सेटिंग्स जो हैं हमारे सेव हो गए हम यहाँ पर सेंड पे क्लिक किया ये ऑप्शन से हम अलग अलग ऑप्शंस एक्सेस कर पाएंगे जैसे कि हम यहाँ पर जो लिंक के तौर पर उसको शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है क्यू आर कोड जनरेट करके उसको हम शेयर कर सकते हैं अगर आप अपनी वेबसाइट या तो ब्लॉग बनाया हुआ है उसके अंदर उसको एम्बेड करना चाहते हैं ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए कोड आ जाएगा आप देख सकते हैं आई फ्रेम के थ्रू ऑटोमेटिक कोड आ गया या तो आप चाहे तो ई के थ्रू उसको शेयर कर सकते हैं यहाँ पर हम लिंक पे क्लिक किए कॉपी पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो लिंक है वो मेरे पास एक्सेस हो गई है मैं वेब डॉट व्हाट्सएप डॉट कॉम से वो पर्टिकुलर लिंक को मेरे ग्रुप में शेयर कर दूँगा यहाँ पर आपको क्यूआर कोड जो है वो तीन डॉट्स पे क्लिक करके वेब डॉट व्हाट्सएप डॉट कॉम ओपन करने के बाद व्हाट्सएप ऐप पे क्लिक करके स्कैन करना रहेगा सो so, आप बेसिक जो हमारा डिटेलिंग है वो हम देख चुके अभी इसका हम प्रैक्टिकली जो परफॉर्मेंस है वो देखेंगे मैंने जो लिंक शेयर की थी ग्रुप के अंदर से मैंने यहाँ पर उसको ओपन कर लिया है मैं अभी डिटेल्स फिल करूँगा फॉर एग्जाम्पल क्लास 7 ए हम हमारा फुल नेम ऐड करेंगे नेक्स्ट करेंगे सो so, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो लोड हो रहा है आप देख सकते हैं सो so, जी डिटेल्स है उसको हम सिलेक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल फोर मैं कोई भी रैंडम अभी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो सीक्वेंस है वो सेट करेंगे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके या तो एरो से भी हम उसको मूव अप या मूव डाउन कर सकते हैं सो थ्री फीट फोर इंच उसके बाद फोर फीट नाइन इंच फाइव फ़ीट थ्री इंच सो मैंने अभी रैंडमली उसको सेट कर दिया तो आप देख सकते हैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं मैं यहाँ पर आंसर सेट करूँगा और सबमिट करूँगा सो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं व्यू रिजल्ट्स करके तो मुझे टोटल पाँच मार्क्स मिले हैं मैं देख सकता हूँ मैंने जो रॉन्ग आंसर दिया हुआ है उसका डिटेलिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं सो so, हमारा जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर सेट किया होता तो हमें प्रॉपर आउटपुट मिलता मैंने यहाँ पर जो रॉन्ग सीक्वेंस जनरेट करा हुआ है उसकी वजह से करेक्ट जो आंसर है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहा है सो so, स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर जान सकता है कि उसने कहाँ पर गलती की है उसका जो राइट right आंसर है वो क्या होना चाहिए तो ये भी डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल रही है अभी हम रिस्पॉन्सिस देखेंगे रिस्पॉन्स हमें वन मिल गया अब देख सकते हैं यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्टिव मोड में डिस्प्ले हो रहा है यहाँ से आप जो रिस्पॉन्स है वो देख सकते हैं फॉर एग्जांपल मैंने जे अलग अलग लिया हुआ है तो जे का जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा आउटपुट है ग्राफ के हिसाब से यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रहा है हम जो आंसर है वो एक्सेस कर सकते हैं हम ओपन इन एक्सेल करेंगे फ़ाइल को ओपन करेंगे और आंसर्स को रिव्यू भी कर सकते हैं आप रिव्यू आंसर्स पर क्लिक करके वो भी हम देखेंगे तो जितने भी हमारे रिस्पॉन्स जनरेट हुए हैं उसके हिसाब से हम उसको यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं तो मैंने जो डिटेल्स फिल की हुई है उसके हिसाब से यहाँ पर उसका आउटपुट जो है वो मिल रहा है आप जितने भी रिस्पॉन्स जनरेट करे हुए हैं वन बाई वन आप देख सकते हैं यहाँ से और रिव्यू कर सकते हैं और मार्क्स अपडेट भी कर सकते हैं हम एक्सेल फाइल एक्सेस करेंगे सो so, यहाँ पर पूरी डिटेल्स मिल रही है आई स्टार्ट टाइम एंड टाइम ईमेल नेम टोटल पॉइंट्स क्विज फीडबैक रोल नंबर क्लास जो हमारा डिवीज़न है वो फुल नेम स्कूल नेम जो हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं वो भी यहाँ पर हम रिव्यू कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया आउटपुट मिल रहा है हमें देख सकते हैं हम so, सो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज़ हैं प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़ लाइक एंड शेयर थैंक यू वेरी मच एंड स्टेट ट्यून फॉर पार्ट थ्री हम गूगल फॉर्म्स की तरह यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स कैसे यूज़ करना है अदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए वो हम जानेंगे सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मोर टेक्निकल वीडियोज़ प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड डू नॉट फर्गेट टू प्रेस द बेल आईकॉन फॉर नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोज़